सार अंचल एकमा जिला सारण के सभी भूधारियों या लोक एवं सरकारी जमीन के अभिरक्षक सहित भूमि में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि अगो हस्ताक्षरी द्वारा प्रतिनियुक्त अथवा प्राधिकृत कोई व्यक्ति ग्राम सीमा एवं इसके भूखंडों में सीमांकन या पहचान के लिए भूखंड में प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, आपको निर्देशित किया जाता है कि सर्वेक्षण के उद्देश्य से भूखंडों की पैमाइश जांच या पड़ताल करने तथा वृक्षों या जंगलों या खड़ी फसलों या ऐसी अन्य बाधाओं जैसा भी आवश्यक हो को हटाने अथवा काटने में उन्हें सहयोग करें एवं उन्हें उनके कर्तव्य को निर्वहन में किसी प्रकार का बाधा या अड़चन उत्पन्न न करें। आपको यह भी निर्देशित दिया जाता है कि अपने भूखंडों के सभी मोड़ पर मिट्टी का स्तंभ देकर उसे सीमांकित कर ले। ठीक है, ये पहला था प्रपत्र वन। पहले हम लोग बता देते हैं, उसके बाद हमारे कानूनगो साहब हैं, वो भी पूरा डिटेल्स आपको बताएं। ठीक है, हम आपको स्टेप्स बता देते हैं। ठीक है, इसका सर्वे का। ठीक है, प्रपत्र दो में है स्वघोषणा, इसमें आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, दोनों का प्रपत्र दो यही है फॉर्म। ठीक है, ठीक है, यही है। इसमें आपको राजस्व ग्राम, थाना संख्या, पुलिस थाना, अंचल, जिला, रैयत का नाम, स्थायी पता, खाता खेसरा रकवा डिस्मिल में चौहद्दी, किस्म जमीन, अगर लगान मालूम है तो लगान, जमाबंदी संख्या, भूमि पर दावा का आधार, आप किस आधार पे उसको दावा कर रहे हैं, खतियान लगा रहे हैं, जीरोक्स में या क्या लगा रहे के वाला, वो सब लगाना है। उसके बाद साइन कर करके जमा कर देना आपको अपने अमीन को। प्रपत्र तीन है, तीन में है वंशावली, जैसे कि पूर्वजों का जमीन अगर कोई भी आदमी क्लेम, आपको नोटरी से एफिडेविट कराइएगा, नोटरी में मतलब कोर्ट में जाकर के, हाँ, नोटरी से एफिडेविट कराइएगा, उसके बाद सरपंच साहब और पंचायत सचिव मिल करके उसको वेरीफाई कर करके अपना बना के दे देंगे। ठीक है, उसके बाद जब तक ये दोनों काम आप लोग करिएगा, दो और तीन, फिर त्रिसीवाना होगा और बाउंड्री का मिलाना होगा, जहाँ पे हम लोग का काम रहेगा, तीन गांव का सीमा जहाँ पे मिलता है वहां पे एटीएस मशीन आएगा, उस सबको मिलाने का काम होगा। उसके बाद किस्तवार होगा, आपके हर एक खेसरा या प्लॉट पर हम लोग उतरेंगे, किस्त किस्त में सब प्लॉट को बांटेंगे, उस आधार पे फिर नक्शा को तैयार किया जाएगा एजेंसी को भेज करके। उसके बाद है खानापुरी, इसमें भी हम लोग जो है आपका हर एक पेपर ओरिजिनल चेक करेंगे, दोनों में आपको रहना है। ठीक है, ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्टेप है, खानापुरी और किस्तवार, एक एक पेपर आपका चेक करेंगे, ओरिजिनल और प्लॉट का स्थिति देखेंगे वहां पर रह करके, क्या है नहीं है, पेपर क्या बता रहा है, एग्जैक्टली क्या है। उसके बाद P6 में सारा डाटा को हम लोग नेट पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद प्रपत्र सात आएगा LPM लैंड पार्सल मैप, इसमें हम लोग आपको अपने अपने जो नक्शा जो हो जाएगा तैयार, तो आपको पर्चा देंगे अपने अपने नक्शा का, उसमें आप लोग देख लीजिएगा मेजर करके या किसी से करवा कर कितना है, जितना आपका एग्जैक्ट था उतना है कि नहीं नक्शा में जमीन। ठीक है, वो देख लेना है, अगर उसमें कम है, ठीक है, आपको लगा कि नहीं ठीक नहीं बनाया, तो प्रपत्र आठ में आप दावा आपत्ति कर सकते हैं, जो कि कानूनगो स्तर पे होगा, वो पर्चा मिलने के 15 दिन के अंदर आपको ये चीज करना है। ठीक है, दावा आपत्ति भी कर सकते हैं कि हम संतुष्ट नहीं है, जो हमारा जो नक्शा है उसमें कम है जमीन बना जो है अभी, उसका सुनवाई कानूनगो सर करेंगे अपने स्तर से। फिर उसके बाद प्रपत्र 14 में जो है ASO के द्वारा शिविर प्रभारी जो होते हैं, असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी होते हैं, उनके स्तर पर सुनवाई होगा, और आठ में भी सुनवाई नहीं हुआ किसी कारणवश, तो फिर 14 में सुनवाई होगा। उसके बाद उसमें भी नहीं हुआ तो प्रपत्र 21 में बंदोबस्त प्राधिकारी के स्तर पे होगा सुनवाई, जो जिला में एक ही होते हैं, ठीक है, पूरे जिला का हेड होते हैं, वो करेंगे सुनवाई। ये सब प्रक्रिया होने के बाद प्रपत्र 22 में हम लोग खतियान लागू कर देंगे, खतियान का प्रकाशन कर देंगे। ठीक है, बस यही इसके वर्षावली। हाँ, जैसे आपको वंशावली बनाना है, आपका अगर खतियानी जमीन, जो जमीन पूर्वज से मिल रहा है, तो उसमें जहां से खतियान शुरू हुआ है, खतियान में जिनका नाम मेंशन है, वहां से बनाना है अभी तक, यही तरीका है बनाने का। उसमें उनके सारे परिवार होने चाहिए, कोई एक आदमी मिसिंग नहीं होना चाहिए, इन्हें किसी को छोड़ के बनाना है,
जैसे उनका चले आ रहा है, जैसे दादा के पिताजी से ये खतियान शुरू हुआ तो उनके जितने बेटे थे, बेटे के जितने बेटे बेटियां थी, वो सब को मेंशन करते हुए। हाँ हाँ, आप बेटी आपके खानदान की सदस्य नहीं है तो है तो उसको डालना है। जब सुनिए 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 ना, हम लोग नियम के अनुसार बता देते हैं, जरूरी है वो अलग चीज है। अगर बेटी नहीं लेगी एनओसी देगी उसका अलग प्रक्रिया है फिर, ठीक है, लेकिन आप नाम दीजिएगा जरूर। नहीं, जवानी कुछ नहीं चलता है, नहीं पेपर वाइज चलेगा। हम पेपर देखेंगे, पेपर रहेगा तो आपका होगा, जवानी आप क्या किए उसे बदली तो उसको रजिस्ट्री करवा लीजिए, वो आपको लिख देगा, आप उसको। हाँ, मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए, हम डॉक्यूमेंट देखेंगे और डॉक्यूमेंट्स के आधार पे आपको हम खतियान को। यहाँ पे सर्वे में मुख्य काम होगा आपका, हम खतियान बनाएंगे, हरेक गांव का नक्शा होगा, यही मुख्य काम होगा। इसलिए आप अगर कोई जमीन धारण करते हैं, कोई जमीन आप जोत आबाद कर रहे हैं, तो वो जमीन आपका कैसे है इसका कागज हमको दीजिए, जिससे ये साबित हो जाए कि वो जमीन आसी की है, तब हम आपका खाता उस जमीन का खोल देंगे। और एक बात और, आप लोग ये भी कंफर्म कर लीजिए कि जो आपका कागज है वो जमीन, मान ली कोई एक बीघा का कागज है, तो उतना आपका दखल कब्जा है कि नहीं है। दखल कब्जा भी आप देख लीजिए, कहीं आपका जमीन कहाँ है, नहीं है आपका जमीन, आप उसको ढूंढिए, उसको दखल कब्जा देख लीजिए, क्योंकि हम जब तो देखेंगे कि आपका कितना है, तो वो दखल कब्जा भी आप लोग देख लीजिए, आड़ मेड़ सीधा कर लीजिए कि ये कहीं मान लीजिए टेढ़ा हो गया है, उसको ठीक कर लीजिए। जमीन अभी हम लोग लिखाए हैं तो उसकी प्रक्रिया है, जमीन लिखा है उनका, जमीन हम लिखाए तो बंसावली उसका भी देना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, बंसावली नहीं, जैसे आप कोई जमीन को लिखाए हैं तो लिखाने के बाद हम देखेंगे कि उसका म्यूटेशन हुआ है कि नहीं, म्यूटेशन हो गया है तो आपका अगर रहेगा तो आपको चढ़ाया जाएगा। अच्छा सर, ऐसा है कि हमारे विश्वास बैठे काम करते हैं और हमारे यहाँ समस्या बहुत जटिल है, तो जैसे कि 45 साल हो गया, 50 साल हो गया जमीन लिखाए हुए, आज तक हम लोग का दाखिल था ये नहीं, कुछ दस्तावेज ऐसा है कि परदानी को पास है, हम लोग नहीं दे रहे हैं, और जो दस्तावेज है वो दाखिल था ये नहीं हुआ, कारण 45 साल से कोर्ट में जमा है और हम लोग दौड़ते रहते दौड़ते दौड़ते थक, अभी तक नहीं हुआ कोई सुनवाई। मतलब कितना साल से कोर्ट में लंबित है? 50 साल हो गया सर, 50 से 52 साल। 50 साल से अभी तक सुनवाई नहीं हुआ है ना, 50 साल से उसके आगे लोग बिठा कर हमारे पुलिया लोग बैठे थे, उसके बाद जब चालू किए तो कोई दे रहा है, बोल रही हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं, तो देना चाहिए था अभी आप जाकर फिर। हल्ला नहीं करिए, सब सुनिए, आप लोग चुपचाप जो है साइन दे रहे हैं हमारे अमीन साहब, कागज पे साइन करिए। बैनामा जमीन है, दखल में भी हमारे है और उसका दस्तावेज हमारे पास नहीं मिल रहा है, पंडाल उठा नहीं दे रहे, किंतु नंबर है उसके, तो उसको कैसे समाधान कर सकते? मतलब कहाँ से मिला था जमीन आपको? जमीन बैनामा है, दिखा तो लिखा हुआ कागज है ना आपका? नहीं सर, है तो फिर कैसे आप हमको कह दीजिए कि बैनामा है तो हम कैसे, हमको तो कागज चाहिए ना। अब जैसे जैसे आप आज कह रहे हैं कि बैनामा, एक आदमी और कल खड़ा हो जाएगा कहेगा ये बैनामा मेरा है। नहीं नहीं, उसको देखिए इसमें है कि हमको देखना है कि अगर कोई जमीन आपका है तो वो जमीन कैसे है, तो ज्यादा से ज्यादा आप कागज अरेंज करिए, व्यवस्था करिए, रिकॉर्ड रूम से निकालिए, पटीदार से निकालिए और ला करके दीजिए हमको कि हम आपका खाता आसानी से खोल, कागज दीजिएगा उतना मेरे लिए सहूलियत होगा। हाँ, अगर नहीं दीजिएगा तो फिर हम कैसे जांचेंगे, फिर जो हमारे अधिकार क्षेत्र में जैसे आएगा उसको देखना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसमें दिक्कत होगा, मुझे भी दिक्कत होगा और आपको भी दिक्कत होगा। इसलिए कहा जरूरी नहीं है दाखिल खारिज का, मतलब कि आप जमीन ले लिए, जब तक उसके नाम से जमीन है, हो सकता है 5 आदमी को जमीन बेच दिया होगा, एक ही जमीन को दाखिल खारिज समझते हैं, करेंट और करेंट का चाहिए, लगान मान लीजिए कि थोड़ा बहुत आगे पीछे है उससे नहीं चलेगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है।
हमको हमको ये देखना है कि वो जमीन आपकी है कि नहीं। लगान जो है वो करेंट है तो भी चलेगा, थोड़ा बहुत पुराना है तो भी चलेगा, ये साबित हो कि वो जमीन आपकी है। हाँ वो ग्रुप चाहिए। हाँ सेल डीड को केवाला भी कहते हैं। नहीं समझे हम आपको बात। आपको 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 दाखिल खारिज क्यों नहीं हुआ? इससे तो ये किसी कारण का मतलब यही ना होगा कि एक जमीन को पांच जगह बेचा गया है, क्या कारण हो सकता है? दाखिल खारिज क्यों नहीं हुआ? जब आदमी बेच दिया तो दाखिल खारिज क्यों ना? आप खरीदे फिर दाखिल खारिज नहीं होगा? जब जमीन बिक सकता है तो उसका दाखिल खारिज भी हो सकता है। नहीं नहीं उसमें नहीं, आप 15 दिन की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं हम जांचेंगे ना, हम जांचेंगे, उसको जांच करेंगे, देखेंगे, लेकिन दाखिल खारिज जरूरी है, उसको करवाइए, अभी भी टाइम है, अभी करवाइए, फिर से आप उस पे लगिए। देखिए टाइम हम लोग का 1 साल का समय है, अभी इनिशियल फेज में 1 साल का समय दिया गया हम लोग का, तो आप लोग उसको कर लीजिए, दाखिल खारिज वगैरह कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, तो उससे क्या होगा कि काम हो जाएगा। अभी नेक्स्ट स्टेप ये हो गया ना, अभी आप लोग को फॉर्म 2 प्रपत्र 2 और बंसावली बना के जमा करना है शिविर कार्यालय में। हम लोग का एकमा में शिविर कार्यालय है, अमीन साहब रहेंगे यहाँ, अमीन साहब को भी दे सकते हैं, इसको जमा करना है। दूसरा स्टेप है हम लोग गांव का बाउंड्री वेरिफिकेशन करेंगे, अगर कोई गांव है उसका सीमा कहाँ कहाँ लगता है पूरा देख लेंगे कि उस गांव का कहाँ जमीन है। वो देखने के बाद फिर प्लॉट पे जाएंगे, आपका जमीन का सत्यापन करेंगे प्लॉट बाय प्लॉट शिविर कार्यालय में, या अमीन अमीन साहब को देना है। हाँ एकमा ब्लॉक के पास हम लोग का ऑफिस है। आप जो है उसको पढ़ लीजिए ना, बात बात लिखा हुआ है,